मुंगावली में पदस्थ शिक्षक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। शिक्षक ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि बमोरी में उनके विभाग द्वारा उन्हें किस तरह से परेशान किया जा रहा है, साथ ही उन्हें कई झूठे प्रकरणों में भी फंसा दिया गया है जिसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे परेशान होकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। चार टीचर और दो महिला टीचर उन्होंने दे रहे ना, ये चार जेंट्स टीचर की बहुत बड़ी गलती है और ना ही ऑफिस वाले जो सबऑर्डिनेट होते हैं अधिकारी के, वो मेरा काम होने दे रहे हैं। अतः मैं इन पर कैसे कार्रवाई हो मीडिया का सपोर्ट चाहता हूँ, ताकि मेरे अधिकारी की मतलब जो इच्छा है मुझे न्याय मिले, कलेक्टर की इच्छा है जो मुझे न्याय मिले। इसी जनजाति कार्य विभाग अशोकनगर में ऑफिस में पदस्थ हूँ अभी छात्रवृत्ति शाखा पर। तो ये कुछ मेरी पुरानी समस्या है जो अधिकारी हमारे श्री विवेक नागवंशी जी हल करना चाहते हैं, लेकिन बाबू मेरी नोटशीट नहीं बढ़ा रहा है, ये हालत है। सीओ हमारे 20-25 साल से देख रहे हैं ईमानदारी से काम करते हुए, वो भी सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं। मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि ये टीपो को हटवाएं। अब हटें कैसे टीपे, बाबू नोटशीट बढ़ाने तैयार नहीं, अधिकारी समस्या हल करने तैयार है, लेकिन जो है ऑफिस में मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा। इसी प्रकार से जब मैं मुंगाली में रहा तब मेरी जो है रिटायर्ड डीओ ने शिकायत पूछकर पिटवाया और थाने पर क्यों नहीं गए। रिटायर्ड डीओ बीएल परमार थे बाबूलाल, में शिकायत वापस गए थे मुंगाली निरीक्षण पर, तो मेरे को बुलवाया और मैंने कहा कि बच्चे जो है रेस्ट में भूखे रहते हैं। ये शिकायत की तो वहाँ के अधीक्षकों ने रमाशंकर जाटा, विपिन श्रीवास्तव, जलील मोहम्मद, बाबूलाल अरवार और दो महिला हैं, एक महिला रेखा परिहार के बेटे और भाई से मुझे इतना पिटवाया है कि आज तक मेरी 4 साल हो गए, गंभीर चोटें हैं। इसके बाद उससे फिर मैं न्याय पाने के लिए चलता रहा, तख्ती लेके मुंगावली में चलने लगा, तो मेरे सारे अधिकारियों ने मना किया।